राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है। हालांकि पहले चरण का मतदान सही तरीके से संपन्न हुआ और पहले चरण के मतदान के बाद ये देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा मिल रहा है। लेकिन इस बीच हम एक ये खबर बता रहे हैं कि कांग्रेस की एक महिला प्रत्याशी जिसको टिकट तक दे दिया गया था, वो महिला प्रत्याशी अचानक रातों रात कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस कांग्रेस प्रत्याशी की जिसको प्रियंका गांधी ने बहुत सोच समझकर टिकट दिया था, लेकिन उस प्रत्याशी ने एंड मौके पर एंड समय में कांग्रेस को प्रियंका गांधी को धोखा दिया। तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से लगातार नेताओं का जाना दिखता नजर आ रहा है। हालांकि अभी हाल ही में हमने कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता उनसे बात की है, और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता से जब हमारी बातचीत हुई और हमने सवाल पूछे भी थे कि आखिरकार वजह क्या है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी का साथ छोड़ रहे, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी का जो साथ छोड़ रहे हैं ये लोग भगोड़े लोग हैं और इन्हें पार्टी पर भरोसा नहीं है। और कुछ समय पहले श्रीनिवास बीबी, उन्होंने भी इस तरह की बात कही थी कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर। तो ये देखा जा रहा है कि आज मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो इन जो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं इन पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की जरूरत पार्टी को नहीं है और पार्टी इनके बिना भी चल सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।